आज के मैच में आपको काफी मजा आएगा। दो तीन बार मैंने मुड्डा चेंज करा, नीचे से मेरी पतंग गई, ऊपर से अपोनेंट था। अब देखो, पहले मैंने स्ट्रेट खींची, उसने अंदर का रुख दिखाया, यहाँ मैंने डोर छोड़ी, उसने बाहर खींची, फिर मैंने अंदर खींची, काट दी। एक और पेच, नीचे से मैं लड़ा रहा हूँ, ऊपर से हमारा अपोनेंट है, नीचे के पेच ज़्यादातर आज आपको दिखाऊंगा मैं। अंदर के रुख दिखाया, उसने गद्दा मारा, मैंने बाहर से पार्ट खींच काट दिया वाला पेच। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल काइट और ऑफिशियल। आज की वीडियो होने वाली काइट कटिंग ट्रिक्स के ऊपर। तो डायरेक्ट हमने पतंग पार कर ली है, रेड सर्किल ने मेरी पतंग नहीं, नीचे से लड़ा रहा हूँ मैं, और ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है। और ना आज आपको काइट कटिंग ट्रिक्स बताऊंगा, डमी काइट की हेल्प से भी दिखाऊंगा और काट के भी दिखाऊंगा। और ब्लू सर्किल ने हमारे अपोनेंट की, ये बंदा हमारी लेफ्ट हैंड साइड से है। तो देखो इस वाले पेज में क्या होगा। खींची उसने अंदर का दिखाया, यहाँ मैंने डोर छोड़ी, फिर उसने बाहर खींची, मैंने अंदर का खींच के ये वाला पेज बहुत आसानी से काट दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने दो बार मुड्डा चेंज करा था और एंड में अंदर का जो खींचा है ना, मुझे पता था अपोनेंट इतना ज़्यादा अंदर आ गया, वो बाहर की खींचेगा और आराम से ये वाला पेज हमने काट दिया है। अब यहाँ पे यार डमी गाइड की हेल्प से भी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्हें शायद समझ में ना आए पेज। तो वाइट वाली पतंग हमारी है और ब्लैक वाली हमारे अपोनेंट की है। अब एक बात मैं पहले बता दूँ, जो हमारा अपोनेंट था वो हमसे पीछे उड़ा रहा था, तो अब वाइट वाली मेरी थी, मैं नीचे से गया। अब मैंने काफ़ी जल्दी पतंग खड़ी एकदम सीधी खींचना चाहिए, तो हमारा अपोनेंट के पास, वो भी समझदार था, तो उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो अंदर का रुख दिखाए। उसने अंदर का रुख दिखाया, अब यहाँ मैं सीधी खींच रहा हूँ, अंदर का रुख दिखा रहा है, डोर नहीं मिली थी यहाँ पे, तो मैंने एकदम से डोर फेंकी और वहीं पर ही हमारे अपोनेंट ने मुड्डा चेंज करके बाहर की खींची। मुझे भी पता था कि वो बाहर की खींचेगा और मैंने एंड में अंदर का जो रुख दिखाया ये वाला पेज काट दिया। अब देखो यार, 100 में से 80% लोग यही करते हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा वो अंदर आ जाएं तो वो वहीं से मुड्डा बना के बाहर की खींचते। तो आपको क्या करना है, उसी टाइम पे अंदर का रुख दिखाना है, क्योंकि आपकी पतंग काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, तो अगर आप आर पार खींचोगे तो आपकी पतंग कट सकती है। तो पहला पेज तो हमने काट दिया, आपको बता भी दिया, दूसरा पेज लड़ाते हैं, देखते हैं कौन काटता है। यहाँ पे आज का सेकंड पेज आ गया, तो रेड सर्किल अंदर मेरी पतंग नहीं, नीचे से लड़ा रहा हूँ, ऊपर से हमारा अपोनेंट ब्लू सर्किल अंदर, ये बंदा हमारे लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है। अब देखो हवा काफ़ी अच्छी चल रही है आज, आप देख भी सकते हैं पतंगबाजी आज आगे भी काफ़ी दूर दूर तक हो रही है, छोटी छोटी आपको पतंगें दिख जाएंगी। तो हम अपने पेज में फोकस करते हैं और ऐसी वीडियो में तभी लाता हूँ भाई, आप लोग काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई डमी गाइड की हेल्प से समझा दिया करो, तो आपके लिए वीडियो आती है, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो पतंगबाज दोस्तों में। यार अपोनेंट भी काफ़ी तेज़ हाथ की तरफ चढ़ रहा है, ये सीधी खींची उसने झटके मारे भाई, अच्छा पेच काट दिया। अब यार जब अपोनेंट ने पेच काटा है तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, अपोनेंट ने काफ़ी दिमाग लगा के यहाँ पे झटके जो मार दिए ना, सीधी पतंग खींच रहा था, अगर वो बाहर के लिए चलता तो शायद वो कट जाता, लेकिन अच्छा पेच काटा उसने, तो यार बनती है तारीफ करना। अब यहाँ पर डमी काइट की हेल्प से समझा दे रहा हूँ, ये पेच यार काफ़ी अच्छा काट दिया अपोनेंट ने, यहाँ पर टेक्निकल पेज लड़ा दिया। मुझे लगा नहीं था कि छतों में भी ऐसा कोई पेज लड़ा सकता है, लेकिन लगता है बहुत लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, वाइट वाली पतंग मेरी थी, ब्लैक वाला हमारा अपोनेंट था। अब काफ़ी नीचे से ही मैंने स्ट्रेट खींचना चाहिए, मुझे लगा कि वो बाहर की खींचेगा, मैं स्ट्रेट खींच के उसकी पतंग आराम से काट दूंगा। तो अपोनेंट यहाँ पर गद्दा मारता तो उसकी पतंग कट सकती थी, लेकिन उसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, उसने यहीं पर ही झटके मार दिए। अब जैसे उसने झटके मारे, मेरी डोर वहाँ पर टच हो गई और यहाँ पे हमारा पेज काट गया। अच्छा, मैं उसकी पतंग कैसे काट सकता था यहाँ पे, तो जब मैं नीचे से गया, अब मैंने सीधी खींची थी, अगर वो बंदा झटके मार रहा था ना, तो वहीं मुझे मुड्डा चेंज करके ऐसे करके, अगर मैं बाहर के खींच देता मुड्डा चेंज करके, तो अगर वो बंदा झटके ही मारता तब भी उसकी पतंग कट जाती। लेकिन अगर कोई झटके मार रहा, आप सीधी खींचोगे, तो भाई आपकी पतंग कटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ख्याल रखना, अगर कोई बंदा झटके मारता है ना, तो आपको आर पार खींचनी है एकदम जान से, सीधी कभी नहीं खींचनी है। अब यहाँ पे हमने एक और पतंग पार कर दी है, शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो देखो डैड सर्किल में मेरी पतंग नहीं, नीचे लड़ा रहा हूँ मैं, ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है, और देखो आपको दिख जाएगी उसकी पतंग ब्लू सर्किल अंदर, ये वाला बंदा भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड से है। अब देखो कोनी बनाते हुए चल रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा अंदर गया, वो गद्दा मारा, मैंने रोक के बाहर खींची और भाई झोली समेट दिया उसका। अब यहाँ पे भाई ताकत का पेच काटा हमने, लेकिन इसमें भी यार हमने थोड़ा दिमाग लगाया, ये नहीं कि हमने बस अंदर का ही खींच दिया। देखो इसमें हमने क्या करा, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं काफ़ी नीचे से ही ना अंदर का रुख लेते हुए चल रहा था, अपोनेंट को लगा कि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर बढ़ जाऊँगा, तो वो भी घबराहट में उसने जल्दी से गद्दा मारा, मैंने वहीं रोक के सपाट बाहर की खींच काट दिया। यहाँ पर आपको डमी काइट की हेल्प से समझा दे रहा हूँ, एक बात और, जो वाइट वाली पतंग है ये हमेशा मेरी है और ब्लैक वाली हमारे अपोनेंट की, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए जब भी आप देखो वीडियो। तो यहाँ पे देखो नीचे से हमारी पतंग थी, अब मैंने क्या करा,
मैं काफ़ी नीचे से ही ना अंदर का रुख लेते हुए चल रहा था। अब अंदर का रुख लेते हुए कोई बंदा काफ़ी तेज़ से बढ़ेगा तो हर कोई घबरा जाएगा, मैं भी, आप भी, कोई भी हो। तो अपोनेंट ने भी घबराहट में जल्दी से गड्ढा मारा, लेकिन मैंने वहीं अपनी पतंग का मुड्डा चेंज करके बाहर सपाट खींचा। जो उसका झोल था वो हवा में उड़ते उड़ते नीचे आ रहा था, वही हमने काट दिया। यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती थी, क्या पता जब हम अंदर का रुख दे रहे थे तो अपोनेंट थपथपा देता, तब भी हम मुड्डा चेंज करके अगर बाहर की खींच देते तब भी हम उसकी पतंग काट देते। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं इस वाले पिच को काटने के, जल्दी से अंदर बढ़ो और अगर अपोनेंट गद्दा मार रहा तो या तो सपाट बाहर की खींच लो, और अगर वो थपथपाता भी है, वो पतंग रोकता तो भी सपाट बाहर की खींची काट दो, पेज आप ही काटोगे। अब ये रहा आज का आखिरी पेज, काफ़ी ज़्यादा भसड़ हो गई है क्योंकि अंधेरा भी हो गया, पतंगें भी काफ़ी ज़्यादा हैं आगे आपको दिख रही होंगी। तो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग है, नीचे से ऊपर से हमारा अपोनेंट ब्लू सर्कल के अंदर, ये वाला बंदा भी लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। रखी उसने, मैंने वेट करा है। देखो भाई कितना ज़्यादा चलाक है वो बंदा, वो डोर मिलाने की कोशिश कर रहा है। और अंदर गए, फिर बचाई पतंग, स्ट्रेट खींची, रोक के फिर बाहर की सपाट खींची और ये वाला पेज भी काटा। यहाँ पे सिर्फ आपको ताकत चाहिए, जो ज़्यादा ताकत से खींच देगा वो ये वाला पेज काट देगा। आपको पता है भाई ताकत से तो हम खींचते ही हैं, एक बार स्लो मोशन में देखो आपको ही मज़ा आएगा ये वाला पेज देखने में। अब आपने देखा ताकत का पेज था भाई, ताकत से ही काट दिया। तो यहाँ पे वाइट वाली हमारी पतंग थी और ब्लैक वाला हमारा अपोनेंट था। अब यहाँ पे ना कई बार आपको पेज, जब जो पेज लड़ता है ना उसकी सिचुएशन देख के ही बदलना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे दिमाग में पहले से सोच लिया था कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पतंग नीचे करके बार बार पतंग अपनी बचा ले रहा है, तो मैंने क्या सोचा था, मैं अब क्या जैसी पतंग नीचे पटकेगा मैं स्ट्रेट खींच के उसकी पतंग काट दूंगा। लेकिन अब क्या उसने क्या करा ना, नीचे पटकने के बाद पतंग रोकी नहीं, उसने वही वाला गद्दा बाहर को खींच लिया। लेकिन अगर ऐसे में बाहर को खींचता तो मैं कट जाता, इसलिए मैंने चपटा बाहर को खींचा था। उसने ऐसे खींचा, मैंने ऐसे खींचा, यहाँ पे ताकत मांगता है और ताकत हमने उससे ज़्यादा लगाई, ये वाला पेच काट दिया। यहाँ पे भाई पेच की आपको सिचुएशन भी देखनी पड़ती है कि अपोनेंट क्या लड़ा रहा है, कैसे लड़ा रहा है। अगर यहाँ पे मैं सीधा खींच देता वो बाहर को निकलता तो यहाँ पे मेरी पतंग कटनी ही कटनी थी, ऐसे पेज में ज़्यादा नीचे वाले की पतंग कट जाती है, इसलिए हमने बाहर का खींचा सपाट और ये वाला पेज भी काट दिया। तो भाई यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको पेज हमारे अच्छे लग रहे हो तो कमेंट कर देना, लाइक वाइक कर देना, शेयर कर देना पतंग वाले दोस्तों में। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके चाहिए, छतों से काइट फाइटिंग की चाहिए या फिर मैदान से काइट फाइटिंग की चाहिए, कमेंट करके जरूर बता देना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।